साथियों साथियों आरटीबीपी में ट्रेड्समैन की वैकेंसियां आ गई हैं। दो वैकेंसियां अलग अलग चल रही हैं, एक में कॉबलर और टेलर की फॉर्म भराया जा रहे हैं और दूसरे वाले में सफाई वाला गार्डनर की वैकेंसी आई हुई है। ये ध्यान देने वाली बात है, दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग जारी हुआ है, दोनों के फिजिकल प्रोसेस भी अलग अलग है, पूरी तरीके से भर्ती प्रक्रिया दोनों की अलग अलग होने वाली है। दोनों नोटिफिकेशन अलग अलग क्यों आए या फिर क्या वजह रही जिस वजह से एक में इस बार आईटीबीपी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, पहले या भर्ती प्रक्रिया जब भी कंडक्ट करवाई जाती थी तब एक में ही आती थी, सब पे चर्चा करेंगे और आपको एक चीज और बताएंगे। साथियों तीसरी भर्ती रहेगी मेरे लाइफ की आईटीबीपी में ट्रेड्समैन की, एक जानकारी आपको दूंगा निश्चित, वो आपके आगे आने वाले सिलेक्शन के समय पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके के अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए टारगेट फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो साथियों आईटीबीपी में जो दो वैकेंसियां अलग अलग की गई है, इस बार जो टेलर और गार्डनर की जो वैकेंसी, टेलर और कॉबलर की जो वैकेंसी आई हुई थी पहले, उसकी जो हाइट है वो कम है अपेक्षाकृत। जो सफाई वाला वाली जो नोटिफिकेशन आया है दूसरा, उसमें 170 सेंटीमीटर मांगा गया, लेकिन पहले वाले में हाइट थोड़ा कम मांगी गई है, इस वजह से दोनों का नोटिफिकेशन अलग अलग किया गया है। पहले फिजिकल का प्रोसेस ही है जो पहले से भी आईटीबीपी भर्तियों में रहा है, आईटीबीपी में इस वाली भर्ती के फिजिकल में अभी कितना वक्त लगेगा ये फॉर्म कंप्लीट होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। मैं बता दूं सफाई वाला ट्रेड के लिए आपको किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा कि जो बार बार बता रहे पूछ रहे हैं कि इसमें भी सर्टिफिकेट की जरूरत है, तो सफाई वाला के लिए सिर्फ आप ट्रेड टेस्ट जब होगा तो उसमें पास होना आपके लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है। पहले फिजिकल की तैयारी आपको करना है, 7.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग होती है, बट फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है। तो आपको फिजिकल की तैयारी करना है, साथ ही साथ रिटन टेस्ट को अच्छे से तैयार करके रखना है। बाकी साथियों जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन आता रहेगा मैं समय समय पर आपको देता रहूंगा। आशा करता हूं दी जानकारी पसंद आएगी, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूं वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।